जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलना कभी दिल को दीवाना करे। मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर से आप लोगों के सामने इस खूबसूरत से शो जिसका नाम मिक्स पत्ती है हाजिर हो चुके हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। ये मेरी एक वो कहते हैं ना हर किसी का कोई पेट वर्ड होता है, ये मेरी एक ऐसी लाइन है जो मुझे हमेशा याद रहती है जब भी मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों की सेफ्टी, आप लोगों का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे, तभी इस शो को इंजॉय कर सकेंगे। जनाब हर हफ्ते पीर और मंगल वाले दिन हम आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं और एक हर दफ़ा कोशिश होती है कि ये जो डेढ़ घंटा 9 बजे से ऑनवर्ड्स आपके साथ होगा ये अच्छा गुजरे, खूबसूरत गुजरे। इसमें हम आपके लिए रंगारंग चीज़ें लेके आए, म्यूज़िक भी हो, म्यूज़िक से आगाज़ हो, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी चीज़ का आगाज़ म्यूज़िक से होता है तो वो पूरी चीज़ सुरीली हो जाती है। वो सुरीली सिर्फ कानों के लिए नहीं होती, देखने के लिए भी सुरीली हो जाती है, सो वो पूरी चीज़ खूबसूरत बन जाती है। और मेरी बींग ए म्यूज़िशियन, बींग एन आर्टिस्ट, कोशिश होती है कि आप लोग एंटरटेन रहें इस डेढ़ घंटे में। जनाब आज भी हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे आप लोग होंगे, आप लोगों की कॉल्स होंगी, जिसके लिए आपको पता ही है हमारा नंबर 0514102357। हमारे साथ कुछ अक्सर ऐसा भी होता है बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, अक्सर वो मेहमान भी होते हैं जिनको हमने मधु किया होता है अपने शो में, जिनसे हमने बातचीत करनी होती है, उनसे उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में पूछना होता है, तो कुछ भी हो सकता है इस शो में और आज भी कुछ भी हो सकता है। तो हम कुछ प्लान करके नहीं आपको बताएंगे कि क्या क्या होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमने प्लान की हैं और आप लोगों के लिए निकाल के रखी हैं वो आप लोगों के सामने हम लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने बहुत ही बेहतरीन से बैंड का आपके सामने तारुफ करवाती चलूँ। आगाज़ किया गाने का नाज़िया हसन का सॉन्ग था ये दिल की लगी, जो कि मेरे बहुत दिल के करीब है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एंड अच्छा सॉफ्ट मेलो सॉन्ग है और इसमें मेरे साथ मौजूद थे हमेशा की तरह सरोश बेस गिटार पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? मज़े में हैं? अच्छे लग रहे हैं? थैंक यू जी, फॉर एवर स्माइलिंग। बहुत शुक्रिया जनाब। सरोश के साथ आज हमारे पास कीबोर्ड्स पे वकार भट्टी मौजूद हैं और वकार भट्टी जो है आज आए हैं हमारे शो में, हम इनको क्या पता आगे भी देखें। कैसे हैं वकार? ठीक है जी, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? वेलकम कहेंगे आपको शो मिक्स पत्ती में, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आपकी डेढ़ घंटा हमारे साथ। और फरहान मौजूद हैं हमारे साथ गिटार्स पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, द मोस्ट रेगुलर। कैसे हैं? ठीक है, द मोस्ट रेगुलर। ये जनाब फरहान छुट्टी नहीं करते, अच्छी बात है। फरहान मुझे अब तक जब से मेरे शो में इनका एडिशन हुआ है तो मुझे कंप्लेन नहीं हुई। ये वो वाला बच्चा है जो रेगुलर होते हैं, बारिश हो तूफान हो हमेशा आना होता है, वो जो बच्चा होता है ना सिक लीव या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, वो बीच वाली जगह हर दफ़ा ही कोई ना कोई आता रहता है। तो लेकिन वो क्योंकि हमारे इतने प्यारे हैं हम उनसे गिला नहीं कर सकते। तो जनाब
शो को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जब हम आपके लिए मिक्स पत्ती लेके आते हैं पीर वाले दिन, तो हमारा एक बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग सेगमेंट होता है जिसका नाम है फिल्मिस्तान। और फिल्मिस्तान में हम करते हैं फिल्म्स का रिव्यू। सो आज भी हमारे पास बेहतरीन बेहतरीन फिल्म्स हैं जिनका हमने रिव्यू करना है, लेकिन रिव्यू करने के लिए एक रिव्यू स्पेशलिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे बींग ए व्यूअर बता सकती हूँ, बींग एन आर्टिस्ट बता सकती हूँ कि यार ये फिल्म ऐसी है, इसमें ये चेंज हो जाता, वो चेंज हो जाता, लेकिन जो हमारे पास स्पेशलिस्ट आते हैं हमेशा, वो इसी काम के स्पेशलिस्ट हैं और ये उनकी एक्सपर्टीज़ में शामिल है। हमारे साथ जनाब शहरयार जो है मौजूद हैं। शहरयार तकल्लुफ़ कैसा है आज है? कोई बात नहीं, माइक नहीं भी लगा हुआ तो कोई बात नहीं, आज है। मैं चाहती हूँ आप शो में आके बैठ जाएं और शहरयार को हम वेलकम कहेंगे शो में। हर दफ़ा डिफरेंट होता है ना कुछ ना कुछ, और आज भी डिफरेंट है, तो शहरयार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शहरयार वेलकम कहेंगे, आप बोल कुछ नहीं सकते इस वक्त मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूँगी चल के देखते हैं पहली फिल्म का ट्रेलर। जनाब आज जो सबसे पहला ट्रेलर हमारे पास मौजूद है उसका नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस 10 का ट्रेलर है। जब इसे देख के वापस आएंगे तो हम शहरयार, ये जो आजकल स्टंट्स हो रहे हैं ना कमाल कमाल से, इसे वैसे मेरे ख्याल से इसमें तो बहुत सारे स्टंट्स मुझे लग रहा था कि वो स्टंट मैन ने किए होंगे प्रॉपर, या इसमें ज़्यादातर ग्राफिक्स का एनिमेशन का काम है। अस्सलाम वालेकुम शहरयार। वालेकुम सलाम। पहले जो मैं ऐसे 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 से बात कर रहा था, अब मैं बोल सकता, अब मुझे फाइनली यू कैन टॉक। ये वैसे एक बात को, क्योंकि मेरी आदत हो गई है, मेरे साथ शमीमुल्ला हबीबी साहब होते हैं ना इस चेयर पे, तो उनको मुझे छेड़ने की आदत है, तो आज दिल कर आपको छेड़ूंगी। पिंग पोंग जोड़ा आपने आज क्यों बनाया? ये पिंग पोंग जोड़ा इसलिए बनाया क्योंकि मुझे अपने बाल खोलता तो आप देख के भाग जाती हूँ। कुछ था आज प्रॉब्लम बालों के साथ? वो कभी कभी होता है ना, बैड हेयर डे। ये मेक शिफ्ट प्लान था आपका कि चलो कोई तो बात, ये मैंने जो है कवर किया, मेरा कवर ना खराब करें। ये आपको पता है ऐसे लड़कियों को के पास होती है ऐसी ट्रिक्स बाय द वे, कि अगर किसी दिन बाल अच्छे ना भी लग रहे हो, धुले हुए बाल कुछ नहीं अच्छा आपका दिन होता बालों वाला, तो उस दिन फिर आप बाल बंद कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं या तो टोपी पहन लेता हूँ, ठीक है, अपनी कैप या बंडाना बांध लेता हूँ, और या जब बहुत ही मुसीबत आ जाए, जब कुछ भी अवेलेबल ना हो तो ऐसे पकड़ के बंद। क्या बात है, क्या बात है, आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर किसी भी चीज को कैरी करने का, और बस जी मलंग बन गए हम। हाँ जी मलंग, अच्छी खासी हर दफा ड्रेसिंग करके आते हैं, मलंग बोल रहे हैं अपने आपको। अच्छा बाकायदा आपको वेलकम करेंगे, आपने हमारी फिल्म के रिव्यू करने होते हैं। अभी देखा हमने फास्ट 10 का ट्रेलर और वेन डीजल नज़र आए इसके अंदर हमें, जॉन सीना नज़र आए इसके अंदर हमें, और एक और ये हैं जो बड़ी प्यारी सी ये हमें नज़र आते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स में। अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म देख रही थी लंबे बालों वाले, टायरीज़ गिब्सन। ओह वाओ, ये क्या कमाल एक्टर। आई थिंक मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ट्रेलर ने सब कुछ बता दिया कि कितना हाई ऑक्टेन एक्शन है, बिल्कुल, और कितनी ऑसम परफॉर्मेंसेज हैं, वाओ क्या स्टंट्स हैं, क्या डायरेक्शन है। और ये फास्ट एंड फ्यूरियस 10 है, राइट? ये 10 है और ये जो है 2001 से चल रही है। 2001 से चल रहा है। आई बिलीव कि हमने विन डीजल को देखा ही इसी सीरीज, इसी सीजन में था, इसी सारी सीरीज में फास्ट एंड फ्यूरियस 1 से लेकर 10 तक अभी तक आ रही है, बिल्कुल। और ये फास्ट जो 10 है जिसे फास्ट एक्स भी कह रहे हैं, और ये 2014 में इसकी प्लानिंग होगी भी थी, 2014 में इसकी प्लानिंग हुई थी, एब्सोल्युटली। और उस टाइम आई थिंक 7 या 8 पार्ट्स रिलीज हुए थे, और अभी रिलीज हुआ है मई में रिलीज हुआ है, और इसके आगे की 3 पार्ट सारे प्लान्ड हैं, क्योंकि देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस कभी भी निराश करती नहीं है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसकी लैंग्वेज, बट कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती, नहीं कर सकती, क्योंकि जो फैन फॉलोइंग है स्पेसिफिक नेम, ये एक ब्रांड, एक टैगलाइन बन चुकी है, टैगलाइन बन चुकी है, और इसमें जो एक्टर्स लेते हैं वो सारे बड़े। 2012 या 2013 में ये न्यूज आई थी, और सबसे आयरनी ये थी कि उनका कार क्रैश में ही एक्सीडेंट, एग्जैक्टली, कि जिसमें उनको प्रो दिखाया है फिल्म्स में कि भाई ऐसे उनके दाएं हाथ का काम है जैसे कहते हैं ना, और वो उसी चीज में उनकी डेथ हो जाना वाज एन आयरनी अनफॉर्चूनेटली, पर अगेन वही बात है कि अल्लाह ताला का वेरी टेरिबल एंड सैड आयरनी, बिल्कुल, बट वो पता नहीं ऊपर वाले के क्या प्लान्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये आज हमने देखा फास्ट 10 का ट्रेलर जो कि रिलीज हो चुकी है और बहुत ही कमाल बिजनेस कर रही है, सिनेमास में आप इसको देख सकते हैं। और ये आपको मैं बात बताऊं कि 8th मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म, अच्छा जी, और उसे डबल कमा भी चुकी है In less than 15 days. जब आप इन्वेस्ट करते हैं फिल्म में, और फिर स्पेशली उन फिल्म्स में जो कि आज जैसे आपने बताया 2001 से चल रही है, तो उसकी एक फैन फॉलोइंग है, उसकी एक ऑडियंस है जिसने उसे देखना ही देखना है, तो फिर डायरेक्टर को भी पता है कि मैंने उस ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करना, तो हर दफ़ा वो अपना बजट और अपना जो बिजनेस है उस लेवल का करने के लिए वो उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर अदाकार हर दफ़ा कोई ना कोई गेस्ट अपेयरेंसेज भी होती हैं, लेके भी आते हैं। सो इसमें हमने कास्ट में देखा बहुत ही कमाल अदाकार और बहुत ही अमेजिंग ट्रेलर है, आई फेल इन लव। और मेरी जब से कि मैंने फिल्मिस्तान करना शुरू किया है शहरयार, तो मुझे ना इतनी सारी फिल्म्स का पता चला है। मैं अपने आप से कह रही हूँ कि मैं किस दुनिया में रह रही हूँ। OTT पे बहुत सारी फिल्म्स इनमें से नहीं भी अवेलेबल ना, तो जो आपको सिनेमाज में देखने को मिलती हैं, तो मैंने भी देखनी है। इधर लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी हमारे पास और भी एक फिल्म है जिस पर हमने रिव्यू करना है। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए K2 टेलीविजन पे बिक्स पत्ती। वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और आज जो है मेरी मिक्स पत्ती पता नहीं कहाँ है, मेरी आज मिक्स पत्ती नहीं आई। आई रियली नीड माई कप ऑफ टी, प्लीज़ प्रोड्यूसर साहब चाय भिजवा दें ज़रा, ताकि अच्छी अच्छी बातें करूँ और मज़ेदार शो करूँ और आपको अच्छा लगे। हमारे साथ मौजूद है शहरयार और हमारे साथ ऑफ जो है सेट के उस पार भी एक बहुत ही अमेजिंग से सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं। और वो अपने आप को ऐसे, मैं चाहती हूँ कोई कैमरा होता जो इधर लगा होता और इनको जो है कैप्चर कर सकता होता। सो अगर हो कर सकते हैं तो कर लें बेशक कैप्चर। मैं बताऊँ कि जब मैं शो कर रही होती हूँ तो कैसे मेरे ऊपर जो है ना इतना एक प्रेशर होता है अच्छा शो करने का, क्योंकि वो मुझे ऐसे घूरी डाल रहे होते हैं कि अच्छा शो करो। सो वो बैठे हुए जनाब, नुमान लशारी की बात कर रही थी मैं। कमिंग बैक टू यू शहरयार, हम अभी रिव्यू कर रहे थे फिल्म Fast 10, जो कि बहुत अमेजिंग लग रही है, बड़ी ग्रैंड लग रही है। उसमें हमें बहुत अच्छी एनिमेशंस देखने को भी मिल रही हैं, उसमें बहुत अच्छे हमें स्टंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। कास्ट इतनी बड़ी है तो जाहिर है बिजनेस भी करना है उसने, माशाल्लाह कर रही है। सो वेल डिजर्व्ड, राइट? और आई थिंक सबको देखने जाना चाहिए, जाना चाहिए। और ये लिस्ट में ऐड हो गई है फास्ट 10, अब फास्ट एंड फ्यूरियस 10 भी अब हमने देखनी है जाके। जनाब अगली जो आज हमारे पास फिल्म है, हमने कुछ टाइम पहले अपनी एक मिक्स पत्ती के एपिसोड में आपको बताया था कि बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि मेरे ख्याल से हो रहा है बाहर के ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा हुआ कि जिसमें दो तीन शॉर्ट फिल्म्स को मिला के एक फिल्म बनाई गई। डिफरेंट डायरेक्टर्स इसमें शामिल थे। मैं बात कर रही हूँ तेरी मेरी कहानियाँ, उसका हमने टीज़र आपको दिखाया था और अब उसका जो है ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। तो चल के ये ट्रेलर देखते हैं और जब इससे वापस आते हैं तो जनाब मल्टी स्टार कास्ट है और शॉर्ट फिल्म्स को मिला के ये नया कॉन्सेप्ट जो कि पाकिस्तान में नया है आया है। तो मैं चाहूँगी कि तीन फिल्म्स थी, एक तो जिन महल है जिस जो नबील कुरैशी जिसके डायरेक्टर हैं, एक पसूड़ी है जो मरीना खान की डायरेक्शन में बनी है, 123वां नदीम बेग की उसमें बनी है। मैं चाहूँगी इंडिविजुअली भी मुझे इनका थोड़ा सा रिव्यू चाहिए, ओवरऑल आपको क्या लग रहा है ट्रेलर देख के? अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें कि तेरी मेरी कहानियाँ टीज़र से ट्रेलर तक में कैसा मुझे लगा, हाँ जी, तो मैं आपको एक एक्सप्रेशन के थ्रू बताना चाहूँगा। ठीक है, वो एक्सप्रेशन के थ्रू अगर बताएंगे तो मैं चाहूँगी इनके फेस पे कैमरा बहुत अच्छी तरह से कट हुआ हो। जी, टीज़र आया तो ये ट्रेलर, जी ये आपने तेरी मेरी कहानियाँ का बताया होगा। अच्छा, तो मतलब ये जो हैप्पीनेस के बाद डिसअपॉइंटमेंट, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम रियली सॉरी। ओके, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम ही कॉन्सेप्ट आया पाकिस्तान में, ठीक है, कि तीन चार शॉर्ट फिल्म्स इकट्ठी करके तो उन्होंने एक फीचर फिल्म बनाई, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इतनी बड़ी कास्ट है, इतने बड़े डायरेक्टर्स हैं, कुछ छोटे मोटे डायरेक्टर्स नहीं है, ये बड़े नाम है, जाहिर है, नदीम बेग, मरीना खान, दे आर लाइक द मीडिया जायंट्स, ठीक है। और मैं कैसे बताऊं, मुझे मजा नहीं आया, आपको कनेक्टिविटी नहीं लगी, लूप होल्स हैं, लूप होल्स। एक तो मुझे ऐसा लगा ट्रेलर अच्छा नहीं बनाया गया, ठीक है, कोई कनेक्टिविटी मुझे नजर नहीं आ रही, और वो पता चल रहा है कि तीन डिफरेंट फिल्म्स हैं, पता चल रहा है कि तीन डिफरेंट फिल्म्स हैं, जबरदस्ती एक इधर से उठाया, एक जोड़ा इधर से उठाया, एक तरह से एक मेहंदी का फटाफट सूट नहीं बनाते सुबह सुबह कि जल्दी से, जब रात को मेहंदी क्या कर रहे हैं, फटा एक इधर से पकड़ा, तीन पीस इकट्ठे किए बना दिया, तो वो क्या वनीला कोई टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनी, तो वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे तो बाद में आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो मुझे ट्रेलर है उसका इम्पैक्ट कोई खास नहीं है, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छी है, ओके, और डायरेक्शन का कोई समझ नहीं आ रही, कास्ट अच्छी है, डायरेक्शन की कुछ समझ नहीं आ रही। तीन डायरेक्टर्स, तीन दिमाग, तीन एक क्रिएटिव माइंड्स जब मिलते हैं तो मेरा तो ख्याल है कि कुछ अच्छा बनना चाहिए, तो आप क्या लग रहा है कहाँ पे आ रहे हैं? देखिए जिया जी, जब आपको इस तरह की फिल्म्स देखती हैं जिसमें तीन चार फिल्म्स इकट्ठी होती हैं तो उसका एक एक यूनिफॉर्मिटी होती है, बिल्कुल, एक एक सब्सटेंस होता है उसके अंदर, जिसपे एक ट्रेन अगर चल रही है तो वो एक ही सफर पे गामजन होनी चाहिए। आप इधर भी जा रहे हैं, आप इधर भी जा रहे हैं, आप इधर भी जा रहे हैं, आप टच कर जैसे जैसे आप ग्रुप में सिंगिंग कर रहे होते हैं तो एक अगर सिंगर वहाँ गा रहा है, एक वहाँ गा रहा है, सब अलग
की सबकी अलग आवाजें आ रही है, सिंक नहीं बिल्कुल. है उसी तरह से ये इसमें ये आप सॉरी आप पड़ोसी मुल्क की फिल्म्स देखिए, उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्म्स बनाई हैं, आप हॉलीवुड की देखिए, लेकिन उन सबका एटलीस्ट एक एक वो जो होता है ना निटिंग होती है आपस में, एक एक हाँ, और एक जो ग्रुप्स होता है ना वो एक ही होता है. अगर रोमांस पे बना रहे तो रोमांस. अच्छा तीनों की क्या कहानी डिफरेंट है? फर्स्ट तो कॉमेडी है, जॉनर ही डिफरेंट है. जॉनर ही डिफरेंट है, फर्स्ट तो टोटल कॉमेडी है, सेकंड वन इज यू नो थोड़ा सा रोमांटिक है, रोमांटिक कॉमेडी है, उसका थोड़ा सोशल भी हो सकता है. उसमें रमशा खान है एंड शी वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर जो लग रहा है. एंड द थर्ड वन इज टोटली अ वेरी क्लासिक रोमांस. तो ये जच नहीं रही. फर्स्ट वन इज हॉरर कॉमेडी, the second one, तो आप देखिए ये वाले expression, exactly confused this expression. एक हाँ, तो वो uniformity नहीं बन रही. अच्छा, do you have any hopes कि क्या पता जब film निकल के आए तो trailer शायद अच्छा, अक्सर ऐसा भी हमने देखा है कि trailer बहुत कमाल बना होता है, film देखते हैं तो हम कहते हैं मतलब seriously, बिल्कुल. और अक्सर ऐसा भी होता है कि trailer जैसे आपने बताया कि नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन कि आपको लगता है क्या film अच्छी होगी? हो सकता है, हो सकता है. वही मैंने कहा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का तो पता ही नहीं है. नहीं पता. अब जैसे फर्स्ट इवन हॉरर कॉमेडी की हम चले स्टेप बाय स्टेप, लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरीज. इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट फिल्म जो नबील कुरैशी की है, जिन महल जिसमें हिरा है, मानी है और गुलेराना है और बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बचकाना पड़ना है. ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही हॉरर कॉमेडी है. क्योंकि आप देखें, अब मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊँ, मैं सारे मेकर्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, हर मेकर को जो काम कर रहा है, लेकिन उन्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि अब स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ चुका है. ओटीटी के आने से बार लोगों का यहाँ पर ऊपर जा चुका है. अब ये जो साउंड इफेक्ट्स हैं जो टिकटॉक में भी आ रहे थे, वो इधर ट्रेलर में भी आ रहे हैं. अगर फिल्म का मीडियम आपके ड्रामा या कमर्शियल्स या टिकटॉक इस तरह के मीडियम से अलग नहीं फील हो रहा, तो फिर व्हाई आर यू इवन डूइंग इट? अगर आप उस चीज़ में मास्टर नहीं है, और अगर आप कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन फिर भी हम इसे बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे. थैंक यू सो मच शहरयार, थैंक यू सो मच लाइक फॉर एवर. आप हमेशा आते हैं और आके हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग रिव्यू करके जाते हैं. आज आपका गला खराब है, इसलिए वो स्टैंड अप कॉमेडी की माफी आपको हो गई है, लेकिन नेक्स्ट वीक हम आपको जाने नहीं देंगे. वैसे मलंग बंदा हूं आपको बताएं, ये मलंग वाली चीज इनकी शर्ट पे रह गई. टाइम हमारे पास शॉर्ट है, जाना है हमें एक ब्रेक पे जनाब. सो ब्रेक पे चलते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शो में बहुत कुछ है आपके लिए. वेलकम बैक कहेंगे आपको. जी मैंने इतना लंबा किया कि हमारे प्रोड्यूसर साहब को लगा कि मैंने गाना स्टार्ट कर दिया. नहीं, मेरा बातचीत भी तो सुरीली होना जरूरी है ना. वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में. और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ शहरयार मौजूद थे, तो अब जब शहरयार उठ के जा रहे थे शो से, तो मैंने देखा उनकी शर्ट्स पे कहावतें लिखी हुई थी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी. तो जिसमें से दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए. उनके होते किए तो कि हम नहीं कर पाए, लेकिन उनके जाते किए कर लेते हैं. पहली लाइन लिखी हुई थी कि छोटे फ़ायदे के लिए बड़ा नुकसान मत करें. अक्सर ऐसा होता है कि किसी वक्ती फ़ायदे के लिए, या इसमें इसे आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं, सोच सकते हैं, यह हर चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में. आप अक्सर ऐसा होता है कि टेम्प्रेरी फ़ायदे के लिए आप अपना बड़ा नुकसान कर देते हैं, टेम्प्रेरी अटैचमेंट के लिए आप लॉन्गर रन में नुकसान में चले जाते हैं, तो ये नहीं करना. और दूसरी एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई थी कि आसाइशों के लिए ज़रूरतें कुर्बान मत करें. सो क्या कहते हैं, अपनी चादर देख के पाँव फैलाएँ और अपनी जो ज़रूरतें जो बेसिक्स हैं पहले उनको देखें, और फिर आसाइशों की तरफ आएँ. आसाइशें भी इंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब. शो में आप कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा नंबर है, जैसा कि आपको मालूम है, 0514102357. ये स्क्रीन पे भी इस वक्त आपके आ रहा है मिक्स पत्ती और साथ नंबर. क्या बात है, क्या कहने. इस पर आप कॉल करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है. जनाब आपको पता है कि इस शो में सिर्फ हम फिल्म पे बात नहीं करते, हम न्यू रिलीज्ड म्यूज़िक पे भी बात करते हैं. अक्सर ऐसे मज़ेदार से गाने रिलीज़ हुए हुए होते हैं, और आजकल माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं मार्केट में, हम उन पर बात कर रहे होते हैं, उन्हें डिस्कस कर रहे होते हैं. जैसे लास्ट टाइम हमने शे गिल और आसिम अज़हर का एक गाना आप लोगों के लिए प्ले किया, उसी तरह से आज भी हमारे पास एक बहुत अच्छा गाना है जो कि आगे शो में हम आपके लिए लेके आएंगे. मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पॉइंटर्स बता दूं हमारे पास क्या क्या है इसके शो में, और उस पर बात करेंगे. क्यूबी का गाना है जो कि हसन और रोशान के साथ जो है उन्होंने किया है, उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे. और एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट एक बहुत ही नामी गरामी बंदे ने की है, ताहिर शाह ने, उस हवाले से भी हमने आपको एक न्यूज़ देनी है. और उसके बाद एक और भी गाना हमारे पास, अच्छा अच्छी चीज़ें आज, और एक और भी हमारे पास ही रांझा एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, उस हवाले से भी हमने आपसे गुफ्तगू करनी है. तो जनाब शो में आप यूं ही हमारा शो देखते रहिए.
चैनल चेंज मत करिए क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बाय द वे आई एम थिंकिंग ये चाय किसकी पड़ी हुई है यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब, ये चाय कौन रखे गया है यहाँ पे? अगर तो ये चाय मेरे लिए है तो वो चाय इधर होनी चाहिए थी, लेकिन ये शुरू से मुझे बहुत पसंद थी, तो आप डिसाइडेड कि आज आपके शो में मैं जाके अपनी टैलेंट का पर्दा जो है फाड़ दूं। टैलेंट का पर्दा तो फाड़ेंगे लेकिन आपकी मुशाबहत या आप रोग लाले आई, सो मैं आई फेल इन लव विद दैट सॉन्ग। बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली, क्या हुआ मेरे गिटार की एक स्ट्रिंग टूट गई थी। अच्छा, गिटार की स्ट्रिंग ऐसी आवाज आई फिर जब जैसे टूटी वो। अच्छा, so, मैंने सोचा मुझे लगा रोग, माय इंटरनल हार्ट ब्लीडिंग, यू नो। सो गिटार की तार टूटने के बाद आपने वो रोग पे गाना, मैंने रोग लगा लिया, तो आई डिसाइड पे एक गाना बनाऊंगा रोग पे। ठीक है, तो मैंने रोग तो मैं गाना बनाया और आई बिकम ओवरनाइट सेंसेशन इन पॉपुलर। आपने सोचा था कि इतना बड़ा सानिहा आपके साथ हो जाए, मतलब कोशिश क्यों कर रहे हैं इतनी अंग्रेजी बोलने की? पलक साहब ठीक है, इतना ही बहुत है, हमारी कौमी जबान है भाई उर्दू। I am so sorry. मैं प्रोड्यूसर से बताया था एंकर नहीं है, इसको अंग्रेजी नहीं आती। मैं तो मैं आइस्टले आइस्टल आल स्टाल उर्दू। उर्दू ठीक है। ये जो नए आए ना बकार भट्टी, इनको सही आपकी नस का पता चल गया। मेरी नस नहीं, वो कीबोर्ड की नस है। क्या? What are you talking about, girl? अरे तो मैं आप जब आज इस तरह सारे तरह वो the past in the future of the history in the past making are just to make a song. Shut up. Relax. What's wrong with your hair, by the way? It's electromania hairstyle. Yeah. Electromania. ये आम तरीके से नहीं बनता। ठीक है। इसके लिए क्या? It's called courage. It's called some very high, you know, unique techniques. Current लगाना पड़ता है। Yeah, बिजली की तार खड़ी दिया नहीं तो फिर कर देंगे। Yeah, well, full style I have. Okay, nice, nice. जनाब। गले में तो मुझे नहीं गले में तो नहीं पड़ता है। That's why I'm making my Yasir का भी चाय। रखने मेरे लिए चाय मैं पीऊंगा, तो फिर उसके बाद गाना गाएंगे तो गला थोड़ा सूदिंग हो जाता है। सूदिंग कर रहे हैं आप जनाब? शो पे पलक शबीर आए हैं। पलक झपकते में क्या हो गया मेरे साथ इस शो में, मुझे समझ नहीं आई। मैं चाहूँ ये शो में लाइव है सर। सर पलक साहब इस वक्त शो में लाइव हैं, कुछ एथिकेट्स होते हैं, आवाम आपको देखती है, आपकी फैन है। नहीं कुछ नहीं, वो सही इस वक्त असल सुर उसने अभी पकड़ा है। अच्छा अच्छा मैं चाहूंगी अब छोड़े ना, बातें तो बहुत सारी होंगी। आप शो पे आए हैं, गायक हैं, और रोक तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है आपका गाना। you know, अच्छा मैं इस वक्त पलक आप चाय पिए, थोड़ा रिलैक्स करें। मैं इस वक्त इतनी ज़्यादा टेंशन का शिकार हो गई हूँ कि मैं चाहती हूँ चल के कुछ देखते हैं। समझ नहीं आ क्या देखते हैं? कुछ देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। ओके पॉपकॉर्न्स लेट्स गो। ये कितना अमेजिंग पैकेज है, ये ऑल ऑफ सडन प्ले किया है। ऑल ऑफ सडन प्ले एक्चुअली वी हैव आवर टैलेंटेड प्रोड्यूसर यासर एंड वी हैव आल्सो अदर यासर। वी हैव यासर स्क्वायर।
ये देखें, ये जो यासिर भाई हैं हमारे, इन्होंने ये इसलिए प्ले किया कि उनसे वो जो आपकी एक लेम बातें वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा बर्दाश्त नहीं हो रही है, गाने चला देने ये शहजाद रफीक जो है बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने अनाउंस किया अपना न्यू प्रोजेक्ट जिसका नाम है हीर रांझा। हीर रांझा जी, सो ही इज लुकिंग फॉर सम गुड लुकिंग मैन। या गुड लुकिंग, यू आर नॉट वन ऑफ दोस। हां, द मे बी इंस्टेड व्हाट अबाउट गुड वोकल्स, एक आर्टिस्ट है उसको वो चाहिए। आप कुछ गा के तो दिखाएं हमारे देखने वालों को। ऑफ कोर्स मैं गाना गाता हूं, एक गाना गाता हूं, लेट्स प्ले द रॉक। मुझे भी कोई रोग लगा के जाएंगे, आप प्लीज प्ले कर दें एक्चुअल कॉर्ड्स। व्हाट्स द नेम? जिया, जिया मेरा जिया, वो वाली जिया। ओके, द एक्चुअल कॉर्ड्स मैं आपको सुनाता हूँ कि एक्चुअल उसके कॉर्ड्स क्या थे। ओके बॉयज, कॉर्ड्स गाइस, कॉर्ड्स क्या थे उसके, कॉर्ड्स कॉर्ड्स गाइस। रोग ला ले आई दिल नू सोनिए, रोग ला ले आई दिल नू सोनिए, मन मन डिगण मोती यथरो सोनिए। पलक पलक सॉरी yes. सर मैं चाहूंगी इतने बड़े आप गायक हैं, स्केल तो सही आप पिक कर लेते। प्लीज पिक अप द न्यू स्केल, लेट्स डू इट अगेन। आपने There was a song, another song, Sonia. It was a mega hit blockbuster song. अच्छा मुझे आपका एक और गाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कौन सा? कौन सा? इजाज़त। हाँ इजाज़त, इजाज़त। मैं जाने वाले आ। हाँ जाने वाले आज तुम्हें नूतन दे इजाज़त। मैं जाऊँ इतवार बाज़ार ते थैला पार के सब बदलाव। There were the original lyrics, but उसके बाद actually मुझे तो लगता है आपकी जो बेगम जिनसे आपने रिसेंटली शादी की वो आपसे गाजरें ही मंगवाती रहती है जो आप जाते रहते हैं शॉपिंग पे, करते क्या है आप? जरा आप एक ब्रेक ले लेते हैं। I'm totally done with this guy. I don't know who he is. Actually, क्या पता कोई रूप धारा है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। मेरी बात सुने सर, बहुत ही सोजगार किस्म का गजल वाला म्यूजिक बज रहा था, उस पर आप ये क्यों कर रहे हैं? मतलब रॉक हेड बैंग करने की क्या जरूरत है आपको? आपके मुंह के साइज के लिहाज से चश्मा बहुत छोटा है। मैंने कहा था आपने ड्रेस डिजाइनर को, आप मुझे दिखाएंगे? मैं पहन के देखा। मैंने कहा प्लीज ब्रिंग मी सम अदर ग्लासेस। अच्छा दिखाएं तो सही। उसने ये छोटे से मुंह वाले कोई चमचे से मुझे दे दिए। एनीवे बट लेट मी दिखाएं तो सही, क्योंकि आपका मुंह बहुत बड़ा घड़े की तरह है ना। लाइक टेक इट, टेक इट। उसके लिहाज से छोटा है। नहीं अच्छा, नाइस, बड़े मुंह भी अच्छे होते हैं, कोई बात नहीं, मैं देखती हूं। हाय तनुका ला चश्मा जचता है। You're looking good. आपको पता है कि इस वक्त जज्दा इस समय मुकरे थे। मैं तारीफ की थी। I just want to give you a compliment.
हाँ, ये आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया है इस पे ऊपर से कहीं आपको कॉम्प्लीमेंट ना, इट्स जस्ट द लिरिक्स एंड लाइंस एंड दैट्स इट, नथिंग. मेकअप क्लास के अंदर कैटरीना मेरा मतलब है कि एनीवे लेट्स जस्ट. अच्छा चले ठीक है, बात सुने. अच्छा बहुत हो गया ना, अब बेसुरा बहुत गाल गया, अब जरा थोड़ा सुर में कुछ गा के दिखाएं हमें. या एक्चुअली आई एम अ फैन, बिग फैन ऑफ आप. अगर मेरी इंस्पिरेशन अगर आप इंस्पिरेशन सुनेंगी देन यू गेट टू नो के एक्चुअली मेरे अंदर ये ऑल द क्वालिटीज कहां से आई. हां जी, इट वाज हसन रहीम तो अभी वाले. देयर वाज वन सिंगर, वो नेम विद हसन, गेस करें. हसन एंड रोशन. आई डोंट नो. एक चीज बजाएं प्लीज. क्या बजाएं? 80s में जाए, एटीज में जाए. हसन जहांगीर, गर्ल. हसन जहांगीर, हसन जहांगीर. एक्चुअली मैं उनके शागिर्द हूँ. आजकल के गाने आप भी सुने, आप पुराने हो गए ना काफी. मैं चाह रही हूँ जाते जाते गाए ना आप वो गाना. जाते जाते किधर? जब आप बिल्कुल आपको शो से हम इजाजत देंगे तब गाइएगा वो गाना. क्या कहते हैं? अभी गाना है, चलो ठीक है आप गा लें, गा लें. Okay, let's do boys. Hit it, bro. No, sorry, boys. Hit it, boys. Yeah. Bajaye ji. Hey, bit. Sorry. ये तो वो जीवा का म्यूजिक चल गया, जीवा. आपको भी ऐसे लग रहा है? मैं आपको वाकई कह रही थी ना, चल के गाना देख ले. हाँ जी, वापस आएंगे तब तक आप अपने रियाज कर लेना जो आपने कभी नहीं करना. रियाज तो सोचते को बड़ा है, तो सपनों के हम इसको बात सुने जरा मेरी, मुझे शो करने दे. हमारे पास एक गाना मौजूद है और गाने का टाइटल नेम है बंधन. बंधन, ठीक है. वो नादिया खान और मानो रसूल वाला बंधन. मुझे पता है आप काफी पुराने हैं. क्यूबी फीट हसन एंड रोशन. हसन एंड रोशन जी, बहुत ही मजेदार. क्या उसकी वाइब है गाने की, चल के सुने और फिर वापस आते हैं. वेलकम बैक कहेंगे, शो का नाम है मिक्स पत्ती. और ये जो सोजगार माहौल हमने बनाया है, ये इस वक्त ना पलक शबीर साहब का इम्तिहान है. हम जानना चाहते हैं कितने अच्छे से समझते हैं आप म्यूजिक को. ये जो भी इलेक्ट्रिक गिटार बज रहा था, इट वाज अमेजिंग. अच्छा, ये इलेक्ट्रिक गिटार था? Yeah, it was nice. I just liked it very much. Good information. Good electric guitar play किया आपने. ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहे थे आप. इनको लगता है आप इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहे थे. अच्छा, मुझे और बताइए कि थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में पूछूं कि किससे सीखा आपने? Like I said before, Hasan Jaggi. Hasan Jaggi. He was one of my mentor, and ek aur you know there was a very good singer in one of the 30s band the time. अच्छा. तो उससे पर सीखा है. And he just you know kill it. रागों के बारे में कितना जानते हैं? राग मुझे सारे आते हैं. All the rags. All the rags. Yes. राग एमन में कुछ सुना दे. राग की second form है रोग जो मैंने गाया. You know, इसमें इसीलिए मेरे इतने अभी बेचते हैं. इसका third form of a superlative degree in our rig. Yes, rig. You got it, girl. You're an intelligent girl. That's why I can't be show girl. Yeah, I just like it. I like it. लेकिन मुझे लग रहा है मेरी आज की performance के बाद हो सकता है ये show next week मुझे दे दें. अच्छा. मतलब एक होती है खुशफहमी, एक होती है बेहद खुशफहमी, और एक होती है बस बेइंतहा खुशफहमी का शिकार हो गए पलक शबीर साहब. अच्छा पलक शबीर साहब, पलक शबीर. It's for P. हाँ यार, मैं F से नहीं बोल रही हूँ, मैं P से ही बोल रही हूँ, ठीक है ना. आप जैसे कुछ सिंगर्स मार्केट में हैं, वैसे आपको एक बात बताऊँ? ये? जैसा कि आपको पता है, बड़े ही नामी गिरामी सिंगर, बहुत उन्होंने नाम कमाया था एक गाने से. मैं बात कर रही हूँ ताहिर शाह की. He is also my mentor. मुझे ये चीज बहुत पसंद है. हाँ जी, क्या पसंद है? His curly hair. Curly hair. Yeah, the, it's amazing. Just you know, QB की वेश दी है. QB की वेश दी है. अच्छा. QB के बाल तो कुछ भी नहीं है. The Tahir Shah's का orientation and the next song probably it's hair to hair. Hair to hair हो सकता है. Hair to there and everywhere. Eye to eye था जनाब. ताहिर शाह ने अनाउंस किया अपना न्यू प्रोजेक्ट, उसकी मेरे ख्याल से कोई ग्लिम्स हमारे पास है, कोई पिक्चर हमारे पास है. ये देखें जनाब, ताहिर शाह रिसेंटली अनाउंस्ड द न्यू सॉन्ग जो उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है. और उन्होंने कहा है कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने हिंट दिया, और मेरे ख्याल से 10th जून को बताएंगे उसके बारे में ये डिटेल से. गर्ल मैं बताऊं क्या होगा, 10 जून नु इंटरनेट ब्लॉक हो जाना है.
इंटरनेट ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि आई टू आई इन्होंने गाया था ना तो हार्ट टू हार्ट हो गया था, मतलब इतना अमेजिंग गाया था इन्होंने आई टू आई. सो कर्ली हेयर का आप जिक्र कर रहे हैं, हम तो लड़कियां क्या करती हैं बेचारी, कर्ल्स करवाती हैं जाके मेकअप आर्टिस्ट को, कहती हैं यार कुछ इस तरह के कर्ल्स बना दो, वो उनके देखिए नेचुरल. आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसा गाना होगा इनका आने वाला? मेरे आई हैव सजेस्टेड टू और थ्री टाइटल्स टू हिम. अच्छा, मतलब ये वाले टाइटल्स पर गाना बनाओ जो ब्रिलियंट. एक था, एक था यू नो किडनी टू किडनी, किडनी टू किडनी. या लेकिन उतारने का यू नो सर्दियों में बनाते हैं ना. क्यों सर्दियों में किडनी? सर्दी में बार बार जाना, किडनी का इस्तेमाल ज्यादा होता है. सो देन ही डिसाइडेड कि एज अ ब्रेन टू ब्रेन बना ले. मैं एक ब्रेन तो है नहीं किसी को, हां ये नो ब्रेन, वेरी नाइस, गुड गुड आईडिया. फिर क्या, जो हार्ट टू हार्ट बनाए मैं क्या, वो हर दूसरा बंदा लगे है आपस से, तो लेट्स जस्ट मेक समथिंग लाइक दैट. हैंड टू हैंड भी बनाया जा सकता है. हैंड टू हैंड ते खुशबू लुटा दे ता चली अचली सिर्फ हिला दे, अब उसका बता दे मुझको बता दे, मैं यहीं पे बैठा हूँ एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार यार मिला दे. आगे आपने बैक वोकलिंग करनी थी ना. अच्छा तो मैं आपके साथ मैंने कहा था यार मिला दे, आपने कह रहे थे दिलदार मिला दे. चलें जी दोबारा से यार भी कहते थे नुमान मिला दे. हवा 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 रूप हिला दे, कहाँ चली हचली रूप हिला दे, अब उसका बता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे. हवा हवा खुशबू बिखरा दे, कहाँ चली हचली जुल्फ बता दे, अब उसका बता दे मुझे जरा मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे. ये मेरा गाना नहीं था, ये आपका गाना और आपका स्केल है. आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं कुछ हो गया. सॉरी दोबारा. आई गॉट इमोशनल, मैं थोड़ी इमोशनल हो गया. You know, Hasan bhai is not well raised. He's Achha. Actually, yeah, he's very not good by health. अब पता है आपका फेस देख के मुझे. अच्छा जनाब आगे चलते हैं. आगे हमारे पास एक बहुत अच्छा गाना है, पता है? बहुत अच्छा गाना है. एक और अच्छा गाना है. एक आरजे हैं अदील लतीफ, जो अक्सर हमारे के टू के डिफरेंट शोज में आपको नजर आते हैं. ओह या आई रिमेंबर हिम, आई रिमेंबर हिम. यू रिमेंबर हिम? यस यस. अच्छा आपसे ऑटोग्राफ लेने आए होंगे. इज अ गुड फेलो. नहीं मैंने लिया. या ऑफ कोर्स. You got it, girl. Yeah, yes. I got it. Or autograph. I had to get it. I had no other way out. अच्छा, तो जनाब अदील लतीफ जो हैं, आरजे हैं, और उन्होंने अभी अपना एक नया गाना लॉन्च किया है. बना लिया उन्होंने. आपसे इंस्पायर्ड थे तो बनाने का. एक लड़का बना लेगा गाना अच्छा सा, जैसा कि ये आके मेरे गाने छुप-छुप के सुनता था, आज उसी वजह से मेरे को बना लेगा. ठीक है, सब कुछ आपने अंदर ही अंदर बोल दिया. तो जनाब लतीफ फर्स्ट गाना उन्होंने किया है अपना, सो मेरे ख्याल से नॉट अ गुड एफर्ट. और क्या हो गया? चेक किया नैना आपने? Let us see, you can see. Yes. No, yes, no, Nana. Yes, Nana. No, Nana. Yes, Nana. Like, seriously. You actually, Shabir, youngsters को भी आप थोड़ा सा encourage करें. Adil has done a wonderful job. Really can do very well. जो ताहिर शाह का I to I का remake है ना नैना? हाँ जी. ताहिर शाह के
आई टू आई का रीमेक है नैना बाई अदील लतीफ। अच्छा कोई बात नहीं, कुड़ी लबना ये देखिए आजकल ना वीडियोस का एक फॉर्मूला है कि दिखाते हैं कि लड़की बेवफा है या लड़का बेवफा है, लड़की ने पकड़ लिया या लड़के ने पकड़ लिया, बस ये पता नहीं इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं हमारे सॉन्ग के वीडियोस, कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा। हाँ डिफरेंट आना चाहिए ना, लाइक नहीं कि जैसे आपकी रोक के वीडियो में सिर्फ गर्ल्स डांस, मेरा नहीं था वो, इट वाज अ फर्क ब्रदर्स सॉन्ग। अच्छा फर्क का गाना नहीं थे, काफी ज्यादा सिटिंग ऑन द साइड, आप सिटिंग ऑन द साइड, आई वाज जस्ट मोटिवेटिंग हिम, ओके, एंड आई वाज जस्ट सेइंग यू कैन डू इट ब्रो, एंड ही डिड इट, he did it wonderfully, yeah there was another remix, maine ek acha sa remix banaya tha aapko shayad yaad ho, but najm bhai ne kaha ki wo khud hi ga lete hain, that's more kind of, you know, unse nay bahut la ke bahut sare usme singers unhone wapas lekar aaye, acha, and there was you know Saleem Javed, there was Fusion, there was Aru, there was Hadika Kiani, there was Zohib Hassan, everyone there, so there was like mere usme kya hua tha, it was the day mere nana kharab ho gaye, main fir kya main call hai hamare sath, dekhte hain kaun online pe, hello assalamu alaikum, हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ? मोहम्मद यासीन बोल रहा हूं, आप जो रेगुलर चैनल रूम प्रोग्राम देखते हैं जी, मोहम्मद यासीन कैसे मिजाज हैं आपके? बस शुक्र अल्लाह का आपका बिल्कुल खैर खैरियत, आप सुनाओ कैसे ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहना चाहेंगे शो में? शो तो बहुत बेहतरीन है आप लोगों का, लेकिन इस तरह गाने भी आप ज्यादा दिखाया करें और छोड़ा कॉल भी लोगों की ज्यादा उठाया करें आप जी, कॉल्स भी ज्यादा दिखाया करें, सुनाया ना करें, नहीं नहीं कॉल ज्यादा सुना करें ताकि व्यूज देखने वाले आपको प्रोग्राम के बारे में बताएंगे कैसा आपका है ना प्रोग्राम है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, कुछ और कहना चाहेंगे? बस गाने में बोलता हूँ अच्छे अच्छे, आप पहले गाने गाती थी, अभी आजकल आप नहीं गा रही है, गाने नहीं गा रही है, गाने नहीं गा रही चला रही है, गाना गाया था ना शो के शुरू में, आपने देखा नहीं, अभी जाते जाते भी आपको गाना सुनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, हमारे साथ मौजूद थे हमारे कॉलर और वो कह रहे हैं गाना सुनाए आप, क्योंकि उस वक्त से गाना तो सुना नहीं रहे, बात कर रहे हैं हमारा। अच्छा चले यासीन, हाँ जी यासीन थे बहुत मेकअप वाले, नहीं नहीं और यासीन है, आप गाना सुनाए हमें अब, फिर उसके बाद हमने के देखो ये तो कभी का के देखो, इनसे नैन मिला के देखो ये तो कभी का के देखो, आज की रात बहुत काली है सोच कभी जला के देखो, आज की रात बहुत काली है सोच कभी जला के देखो, दिल का जय सुना पड़ा है दुख की धूम मचा के देखो, मिला के देखो ये धोखा भी खा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो ये धोखा भी खा के देखो, किसे अकेली शाम की चुप में गीत पुराने गा के दे, किसे अकेली शाम की चुप में गीत पुराने गा के देखो, दिल का घर सुना पड़ा है दुखी हूँ बचा के देखो, दिल का जो सुना पड़ा है
नोट सही लगा, बाकी तो सारा दोस्त नॉट. दिस लास्ट नोट यू हिट वाज जस्ट टू गुड के उसके बाद मेरा दिल कर रहा है कि मेरे पास कैन आई हैव अ हैमर और समथिंग. यू हैव माइक चुक के मारो मनु. एनीवे अब आई एम गेटिंग लेट सो शिराज का गाना गा आज गो एक मेरा कॉन्सर्ट लाइव. Well, I'm going to join the concert. You want to go? Please go. Sakte mein aage? I cannot take it anymore. You just go. I'll give you free passes, okay? Free passes to you and your beloved husband. I don't need your passes, please. No passes? Okay, let's fail. I'm going to take an autograph. I'm going to autograph. Producer sahab. गार्ड्स को प्लीज भेजे, मैं जाती हूँ अच्छे तरीके से. या प्लीज गिव द प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ठीक है, इट गिव प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि ये शो से जो है मार्केट में किस किस नस्ल के सिंगर आ चुके हैं, मैं इस चीज को समझना चाहूंगी. आई एम सो सॉरी गाइस, जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको जिनको ये नागुजीर गुजरा गिरा गुजरा जिनको, उनसे मैं माजरत चाहूंगी. लेकिन क्या करें, अक्सर आपके शो में ऐसे बिंदुलाए मेहमान भी आ जाते हैं जिनका मैंने कहा है ना मिक्स पत्ती है, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है. सो आज भी जनाब हो गया. आई होप कि बाकी जो हमारी कोशिश है वो आपको अच्छी लगी होगी. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे पूरी टीम का, हमारे म्यूजिशियन हजरात का, हमारे प्रोड्यूसर साहब का, हमारे ये तमाम कैमरामैन जो इतनी एफर्ट करते हैं, हमारा लाइट का डिपार्टमेंट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे जितना भी क्रू है, डेफिनेटली कामरान साहब और हमारी जितनी भी हायर मैनेजमेंट है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से हम आपके सामने बैठते हैं और ये डेढ़ घंटा जो है हमारा बेहद इंतहाई अच्छा गुजरता है. जनाब शो का वक्त अपने अख्तिताम पे है, जाते जाते बस मैं आप लोगों से कहूँगी कि अपना रखना है आपने बेहद ख्याल. इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा भी मुलाकात होगी. आपको पता है ये हर हफ्ते का जो हमारा एक संगत है, हमारा प्यार है, इसका मुझे इंतज़ार होता है. आई होप आप लोगों को भी इंतज़ार होगा. इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक अच्छे कलर के साथ और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ख्याल. जाते जाते ये एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है गुलाम उस्ताद गुलाम अली साहब की आवाज़ में है, मैं कोशिश करूँगी कि कुछ थोड़ा सा उसका हक अदा कर सकूँ. आई रियली लव दिस गज़ल आवें ते तैनू दस्सा. सो मेरी आ
गुजरे